फ्रेंड्स, दिस इज सीए मानसकर एंड आज मैं आप लोग का सामने जर्नल एंट्री जीएसटी का कैसे होगा, सेस का कैसे होगा, उसको मैं डिटेल इजीएस्ट मेथड में आपको समझाएंगे। आपको पता है जो एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब जीएसटी का अंदर आ जाएगा। सो आगे पहले था एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स अलग अलग करके, अभी जीएसटी का अंदर सब कुछ आ गया। कोई भी ट्रेडर होता है तो पहले उनको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है और ट्रांजेक्शन का हिसाब से आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इफ इट इज इंट्रा स्टेट, मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में परचेस करते हैं, वेस्ट बंगाल में सेल करते हैं, जो ट्रांजेक्शन वो आपका वेस्ट बंगाल का अंदर ही है, तब उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। जब परचेस करेंगे तब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सेल करने से इंट्रा स्टेट में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये आपको मैं इंट्रास्टेट का बारे में बोलती है। अगर इंट्रास्टेट नहीं है, आप वेस्ट बंगाल में परचेस करते हैं बा वेस्ट बंगाल में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, वेस्ट बंगाल में आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो दूसरा स्टेट से, मान लीजिए कि बिहार से आप परचेस करते हैं, सेल करते हैं, नॉट विद इन द सेम स्टेट, तब आपका आईजीएसटी कॉन्सेप्ट आएगा और उसको जो डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन होने से उसको मानते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। उसमें आपका इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आउटपुट आईजीएसटी, ये सब होगा। परचेस करने का टाइम में इनपुट आईजीएसटी, सेल करने का टाइम में आउटपुट आईजीएसटी आएगा और सेस जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तब मैं आपको बोलेंगे, राइट। सो लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। गवर्नमेंट का जो जीएसटी पोर्टल है उसमें आपका इनपुट टैक्स जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ये मतलब है कि सपोज योर आउटपुट जीएसटी ज्यादा है, आउटपुट मींस आप सेल करने का टाइम में जो जीएसटी कलेक्शन किए हैं आपको पेमेंट करना है, इसलिए आउटपुट जीएसटी आपका लायबिलिटी है। मान लीजिए कि आपका आउटपुट जीएसटी 150 रुपीज, इनपुट जीएसटी 100 रुपीज, तो 150 में 100 एडजस्ट हो जाएगा और 50 रुपीज आपको पेमेंट करना है कैश में। पहले आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपका इनपुट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आउटपुट ये एडजस्ट हो जाएगा। सो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपका जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। सो एडवांटेज क्या है जीएसटी में, इसमें बिगेस्ट एडवांटेज आपका इनपुट टैक्स जो है, जो आप परचेस करने का टाइम में टैक्स पेमेंट किए हैं, और आउटपुट टैक्स जो है आप सेल करने का टाइम में जो आप टैक्स कलेक्शन किए हैं, जो कलेक्शन करते हैं उसको पेमेंट करना है। सो आउटपुट में इनपुट टैक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा, कितना अच्छा है। मान लीजिए कि आप 150 रुपीज आउटपुट, इनपुट 100,
आपको 150 पेमेंट करना जरूरी नहीं, 150 माइनस 100 आपको सिर्फ 50 रुपीज पेमेंट करना है। मान लीजिए कि आपका इनपुट 200, आउटपुट आपका 150, आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जरूरी नहीं है क्योंकि आपका इनपुट तो ज्यादा है। सो आउटपुट आपका 150 से ये जो 200 इनपुट टैक्स है वो 150 में एडजस्ट हो जाएगा, और जितना इनपुट टैक्स आपका ज्यादा रहेगा वो आप नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक छोटा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि इनपुट टैक्स आपका 200, आउटपुट आपका 150, तो आउटपुट 150 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट ऑफ 200, फिर भी इनपुट आपका 50 ज्यादा है, दिस इनपुट विल बी कैरेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, राइट। अब हम देखेंगे कैसे होता है, एग्जाम्पल या प्रॉब्लम माध्यम से देख सकते हैं। सो लेट अस कम टू द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम, ये इंट्रास्टेट परचेस सेल का एक प्रॉब्लम। इंट्रास्टेट तो मैं आपको बोले हैं कि ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट। एक्स परचेस गुड्स 30,000 लोकली, सोल्ड 45,000, पेड फीज 5,000, मशीनरी परचेस किया 10,000। ट्रेडेड गुड्स का ऊपर आपका जीएसटी रेट बोल दिया 2.5% करके, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी भी 2.5, और जो फीज है उसमें आपका 9% करके, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, मशीनरी का ऊपर 14% करके, सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14%। आपका जो जीएसटी होता है ये सेंटर स्टेट में 50-50% शेयर हो जाता है, इसलिए सेंटर का शेयर को बोलते हैं सीजीएसटी, स्टेट शेयर को बोलते हैं एसजीएसटी। सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। जो आप देखते हैं एक्स परचेस्ड गुड्स 30,000 लोकली, जो परचेस करने से, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा वो डेबिट होगा, इसलिए एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। ये तो आपको पता है, कैंडलस्टिक में आपको मैं बोले थे जितना भी एक्सपेंस है सब डेबिट, और सो 30,000 डेबिट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 2.5% करके, 30,000 का ऊपर अगर 2.5% करते हैं तो 750। सो सीजीएसटी 750, एसजीएसटी भी आपका 750। फ्रेंड्स, ये जो सीजीएसटी इनपुट, इनपुट एसजीएसटी, ये आपका एसेट होता है। क्यों ना, ये इससे कुछ बेनिफिट आपको मिलते हैं, जिससे कोई बेनिफिट मिलते हैं उसको हम लोग एसेट मानते हैं। अगर एसेट बढ़ेगा तो ये डेबिट, इसलिए इनपुट सीजीएसटी आपका डेबिट, इनपुट एसजीएसटी आपका क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों एसेट होता है। और क्रेडिटर, जिससे मैं परचेस किए हैं उनको क्रेडिट कर दिए, सो टोटल 31,500। क्रेडिटर मेरा सप्लायर है, उसको मैं कैश पेमेंट नहीं किए, बाद में पेमेंट करेंगे, इसलिए क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी, क्योंकि वो फ्यूचर में उनको पेमेंट करना है। सपोज ये एग्जाम्पल में हम सोच लिए कि ये क्रेडिट परचेस है, अगर ये कैश परचेस होता है, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज ए कैश परचेस, तब टू क्रेडिटर करना जरूरी नहीं, टू कैश कर देंगे, कितना सेम अमाउंट 31,500। अगर कैश करेंगे तो ये कैश तो मेरा एसेट होता है, कैश आप किसी को कैश पेमेंट करने से कैश आपका घटेगा, कैश विल डिक्रीज, एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, इसलिए क्रेडिटर होने से भी क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट।
बट इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन इट इज ए क्रेडिट परचेस, इसलिए टू क्रेडिटर 31,500. लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. ही सोल्ड देम फॉर 45,000 इन द सेम स्टेट 26/4/2022. और मैं सोच लिए कि ये क्रेडिट सेल है. अगर क्रेडिट सेल होते हैं तो मैं पहले डेटर को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेटर मींस कस्टमर. अगर कस्टमर का नाम रहेगा तो मैं नाम पर डेबिट करेंगे. अगर ये कैश सेल होगा तो कैश को डेबिट कर देंगे. अगर ये चेक लेके सेल करते हैं तो बैंक को डेबिट कर देंगे. सो ये डेटर बोली डेटर इज एन एसेट, क्योंकि डेटर से हमको पैसा मिलेगा. अगर कैश को डेबिट करेंगे तो कैश भी मेरा एसेट. बैंक को अगर डेबिट करेंगे तो बैंक भी मेरा एसेट. इसलिए जब एसेट बढ़ेगा तो ये डेबिट, इसलिए डेटर डेबिट होता है. आउटपुट आपका सीजीएसटी, क्योंकि मैं जब सेल किए पार्टी से मैं जीएसटी कलेक्शन करते हैं. ये मेरा लायबिलिटी है कि मेरे को पेमेंट करना है जीएसटी. तो कितना कलेक्शन किए सीजीएसटी 1125 45,000 का 2.5% कर दीजिए. 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी. सो 45,000 कैलकुलेटर ले लीजिए, 45,000 इंटू 2.5% कर दीजिए, देख लीजिए कि 1125 करके आएगा. और इसको मैं पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है. सो इट इज माय लायबिलिटी. अगर लायबिलिटी आपका बढ़ेगा तो ये क्रेडिट, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी ये मेरा लायबिलिटी है. और सेल्स में क्रेडिट करेंगे 45,000, जो मैं 45,000 में कस्टमर को सेल करते हैं वो मेरा इनकम है. परचेस जिस तरफ मेरा एक्सपेंडिचर है डेबिट, और इनकम मेरा क्रेडिट. जित जब इनकम बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा. सो इसलिए टू सेल्स 45,000 इज ए क्रेडिट. कैंडलस्टिक में अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा क्रेडिट. एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट, इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट. सो ये इतना जल्दी हो जाता है जर्नल एंट्री. सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड वन. डेटर इज डेबिटेड विद सेल 45,000. कैलकुलेशन थोड़ा देखा दिया आपको समझने के लिए. सो 45,000 उसका 2.5% कर दीजिए, 1125. एसजीएसटी भी 1125. टोटल आपका डेटर को डेबिट करेंगे 47,250. देन पेड फीच 26 अप्रैल में फीच पेमेंट करते हैं, कितना 5,000. कोई कंसल्टेंट को फीस देते हैं तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये मेरा डेबिट. और पेमेंट जब फीस पेमेंट करेंगे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आएगा, कितना 9% ईच. सो 5,000 इंटू 9% कर दीजिए 450. सीजीएसटी भी 450, एसजीएसटी भी आपका 450. मैं तो पहले ही बोले हैं कि इनपुट आपका जितना इनपुट टैक्स है वो आपका एसेट. सो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट. और मैं कैसे पेमेंट किए, ना कैश में पेमेंट कर किए, इसलिए टू कैश कर दिए. कैश आपका क्रेडिट, क्योंकि पैसा निकल जाते हैं. आप किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश डिक्रीज एसेट. ये देख लीजिए जो मशीनरी में परचेस किए हैं, दिस इज फॉर ऑफिस यूज ओनली. एंड ऑफिस यूज होने से आपका मशीनरी डेबिट होगा, मशीनरी इज एसेट. मशीनरी का 10,000 का 14% आपका सीजीएसटी, 14% आपका एसजीएसटी, दोनों ही एसेट है. जब एसेट बढ़ेगा ये आपका डेबिट हो जाता है. और मैं कैश में पेमेंट करते हैं तो ये मेरा
कैश घटेगा, एसेट विल डिक्रीज, कैश इज एसेट, एसेट विल डिक्रीज, पेमेंट करने से कम हो जाएगा, इसलिए कैश क्रेडिट, राइट। अगर ये मशीनरी फैक्ट्री के लिए परचेस करते हैं, ऑफिस के लिए परचेस करते हैं, तो इसको जो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, वो आपका आउटपुट टैक्स में एडजस्ट होगा। अगर ये मशीनरी में पर्सनल यूज के लिए परचेस करते हैं, कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए, तो उसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में एडजस्ट नहीं होगा। बट ये एग्जाम्पल में जो आपको मैं दिए मशीनरी फॉर फैक्ट्री, उसमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आपका आउटपुट टैक्स का संग एडजस्ट हो जाएगा। सो लेट अस नाउ मेक ए समरी। टोटल आउटपुट मेरा सेल का ऊपर 1125, सीजीएसटी एसजीएसटी भी 1125, और इनपुट सीजीएसटी का टोटल आपका 3350, 750, 750, 450, 1400, इनपुट एस जी एस टी आपका 3350। ये आप देख लीजिए कि मेरा इनपुट ज्यादा है, इनपुट का मतलब मैं ज्यादा टैक्स पेमेंट किए दूसरा को, और कलेक्शन कम किए, आउटपुट इज लेस, इनपुट इज मोर, सो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, इसलिए आपका पूरा आउटपुट इनपुट का अंदर एडजस्ट हो जाएगा। आपको कैश में कुछ पेमेंट करना जरूरी नहीं होगा, राइट। सो लेट अस कम टू एडजस्टमेंट एंट्री। आउटपुट सीजीएसटी को मैं डेबिट कर दिए क्योंकि मेरा जो लायबिलिटी था आउटपुट सीजीएसटी पे एडजस्ट करने का टाइम में, वो आपका लायबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी मेरा लायबिलिटी था, मैं लायबिलिटी को खत्म करते हैं। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। और ये जो डिक्रीज होता है किससे उसको एडजस्ट करते हैं ना, इनपुट से। और मेरा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेरा एसेट था, एडजस्ट करने से आपका एसेट डिक्रीज क्योंकि इनपुट एसेट था, अगर मैं एडजस्ट कर देंगे तो ये इनपुट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट। ये तो मैं कितना बार बोले हैं, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज आपका क्रेडिट। इधर लायबिलिटी आपका डिक्रीज होता है, एसेट आपका डिक्रीज होता है, इसलिए वो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए। कुछ भी केस होता है जहां के आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, मान लीजिए कि आपका आउटपुट जीएसटी 200, जो आप सेल का ऊपर जीएसटी कलेक्शन किए उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, वो 200, आपका इनपुट जीएसटी मान लीजिए कि 150, सो 200 से 150 आपका एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी 50 रुपीज आपको पेमेंट करना है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, गवर्नमेंट पोर्टल का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले आप बैंक का कैश आप ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 50 रुपीज, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ए टिपिकल एडजस्टमेंट एंट्री एंड ऑफ योर जीएसटी, एंड जीएसटी का ऊपर और जो जर्नल एंट्री का ऊपर, ये जो न्यू मेथड है, दिस इज द इजीएस्ट वन, ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज लेकर के हम लोग बात करते हैं। ऑफ कोर्स गोल्डन रूल इज देयर, आई विल कम टू द गोल्डन रूल लेटर ऑन, बट गोल्डन रूल से आपको समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफी इजी रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।